ओ भाई चीनी जल रही, चीनी जल रही, चीनी जल रही है। स्मेल इज वेरी बैड, वेरी। आउच। नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड व्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव व्लॉगिंग। वेलकम टू अ कुकिंग व्लॉग। ये आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रेसिपीज भेजी हैं। ये काफी ज्यादा वायरल रेसिपीज हैं जो हम लोग ऐसे देखते रहते हैं, सेव करते रहते हैं, बट बनाते नहीं है। जब हमें भूख लगती है हम क्या करते हैं, या तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं या तो हम बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं तो मैगी बना लेते हैं। पर आज मैं आपकी ये सारी जितनी भी रेसिपीज है, जो आपकी ड्रीम रेसिपीज है, इनको बनाने वाली हूँ मैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ट्राई वायरल रेसिपीज दैट माय सब्सक्राइबर्स सेंट फॉर लेजिट 24 आवर्स। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। सुबह दिन की शुरुआत होती है ऑब्वियसली बात है चाय से, तो हम सबसे पहले बनाने वाले गर्मा गर्म रोस्टर्ड चाय। ये लोगों ने चाय की सब्जी बना दी है। वैसे इसमें काफी रेसिपीज है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, बट यही एक रेसिपी है जिसमें मैं ऑलरेडी गिव अप करी। उन्होंने पहले चाय को रोस्ट किया है, चाय की सब्जी बनाई है। क्यों किया है मुझे नहीं पता, पर कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी, कुछ लोगों को बहुत बेकार लगी है। हम खुद ट्राई करेंगे, हम खुद बनाएंगे, सो दैट इज द प्लान। ए आ गए मैं वही। गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिन बाद में ब्लॉग ये कुकिंग वीडियो बन रही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पता मम्मी हम पहली वीडियो कौन सी बनाने जा रहे हो? हमें चाय पत्ती को रोस्ट करके चाय की सब्जी जैसी बनानी है। हे भगवान, क्या क्या ये बना के आप लोग ज्यादा ट्राई नहीं कर रहा। मम्मी ये तो बना ही रही है, चीजें बर्बाद हो जाएंगी, ये तो वीडियो के चक्कर में बनाती है। प्लीज आप लोगों को बनाओ या ना बनाओ उसका अप्रूवल देंगी गोपाली मैडम। तो हम बना रहे हैं चाय की सब्जी, तैयार हो मम्मी आप? चलो लेट्स गो। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चाय की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए चाय पत्ती, खाली दिमाग, चीनी। सुबह का टाइम है, सुबह सुबह लग रही है बहुत जोरों की भूख। इस बार मैंने ऑब्जर्व किया है मुझे, मेरे पास हेल्दी ऑप्शंस भी आए हुए हैं। तो हमारे पास में ये वाली एक रेसिपी आई हुई है जैसे सूजी सैंडविच, जो इसे सैंडविच का एक हेल्दी वर्जन है। मैंने कभी नहीं ट्राई किया और मैंने इसे सोच भी नहीं सकती कि सूजी को अपने सैंडविच मेकर में डाल के एक सूजी की सैंडविच बना ली हो। लोग सूजी से सब कुछ बना रहे हैं, सो यस हम भी वही बनाने वाले हैं। तो हम पहले सूजी का वो बैटर बूटर भी तैयार कर लेते हैं, फट से बन जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है। हेलो गाइस, द ब्यूटी ऑफ द वीडियो इज हियर गाइस। एग्जैक्टली, क्या रोस्टेड चाय बना रही है? यस, जानवी को चाय बहुत पसंद है। मत बना, मैं तुझे बना के आई लाइक माय चाय द वे इट इज, डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद इट। वेलकम टू कुक विद गोपाली। हमारा ये बैटर तो बनके तैयार है, अब हम नई सैंडविच मेकर भी निकाल लिया है। इसमें हम बनाने वाले हैं सैंडविच। एक साइड लगाएंगे घी, ये गया चीज स्लाइस। गाइस इसमें से ना काफी ज्यादा एक्सेस वाटर निकल रहा है। जब तक यहाँ पे हमारी सैंडविच बन रही है हम तब तक बना लेते हैं हमारी चाय की सब्जी। ये हमने ली थोड़ी सी चाय पत्ती, फिर हमने ली चीनी और हम इसको रोस्ट करेंगे। गाइस एक मिनट, ये बहुत ही ज्यादा फ्लॉप सी सैंडविच बन रही है मेरी क्योंकि इसका चीज पूरा मेल्ट होके बाहर निकल रहा है। ओ भाई चीनी जल रही, चीनी जल रही, चीनी जल रही है। बहुत ही वियर्ड सी स्मेल आ रही है गाइस, बहुत ही वियर्ड सी। चिपक गया ये चम्मच। अरे मेरी चीनी, ठंडा दूध डालते इसकी चीनी जो है वो जम गई है। क्या बना रही हूँ मैं आज सुबह सुबह से, न चाय ढंग से बन पा रही है न सैंडविच। देखो इतना ज्यादा मेस हो चुका है, ये देखो ये यहाँ पे पूरा दूध छितर गया इसमें से आके। रुको गाइस मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये देखो ये दोनों अलग अलग हो गए, इन्हें साथ में रहना चाहिए भाई। इनको इन्होंने डिवोर्स ले लिया है गाइस, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बट वही रह रहे हैं लोग साथ में और ब्रेकअप का रीजन भी नहीं बता रहे हैं। इससे मैंने बहुत उम्मीदें लगाई थी। वो होता है ना, वो आपका बच्चा जो होता है जिससे आपको उम्मीद होती है कि ये तो अच्छे मार्क्स लाएगा ही। अब इसने डिसाइड किया चलो ठीक है हम साथ रह लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उपमा बना लिया गाइस, ये कहीं से भी सैंडविच नहीं लग रही है, सिर्फ उपमा लग रहा है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी।
सही खाया जा सकता है। तो हमने एक टूटा फूटा सा ब्रेकफास्ट बना लिया है जो मैं खा तो सकती हूँ, मतलब ऐसा नहीं मैं भूखी रहूंगी। जिंदगी में कभी कढ़ाई में चाय तो बनाई नहीं है, तो कढ़ाई से चाय छाननी आई भी नहीं है। ये चाय पूरी हमारी यहाँ पे गिर चुकी है। गाइस ब्रेकफास्ट, वाओ वेरी नाइस ब्रेकफास्ट। जानी आज मैं तुझे मेरा ब्रेकफास्ट चुकाती हूँ, इतना टेस्टी बना है। मुझे लग नहीं रहा है टेस्टी। ये सैंडविच बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। ये क्या है, लोचा लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। ये बनी सैंडविच थी पर बन थोड़ा पत्थर गया है। जानवी पोस्टली हेट्स उपमा, ऊपर से उपमा का ही एक वर्जन है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा गया। मुझे भी नहीं अच्छा लगा गाइस, वेरी रेयर मोमेंट्स। मतलब मैं इसको दो मार्क्स भी ना दूं। मैं इसको मार्क्स ही ना दूं। कढ़ाई वाली चाय स्मेल इज वेरी बैड, वेरी नहीं, मेरे को टेस्टी नहीं करना है। मतलब ये बहुत अलग नहीं लग रही, पर क्योंकि आप जब भी कुछ गर्म चीज पीते हो तो उसकी भाप आपकी नाक में लगती है, तो पहले आप चीज को अपनी नाक से चखते हो, आंख से, मतलब अपने नेत्र से, फिर अपनी नाक से, फिर अपने मुंह से चखते हो। एक बार एक सिप तो लेके देख, इतनी वियर्ड नहीं, लेके देख इतनी वियर्ड नहीं। अरे तू मैं जहर बनाती हूँ खाती हूँ, चल चल चल। आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही ज्यादा फ्लॉप हो गया, बट मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनाने वाली दोपहर में, पर उससे पहले मैं मस्त गुड गर्ल बन जाती हूँ टू फील बेटर, ताकि हम और अच्छी चीजें बना सके। हेलो जी, मैं ना कि एकदम मस्त फुल गुड गर्ल बन गई, फुल हीरोइन शीरोइन वाली फील ले लिया मैंने। अब आ रही है मेकअप की, और आप मुझे जानते हो तो मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट है मेकअप में, और वो है लिपस्टिक्स। मुझे बचपन से लिपस्टिक लगाने का बड़ा शौक है, और आज तो मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लिपस्टिक है। दिस इज स्टेज 9 to 9 लव ट्राइंगल लिपस्टिक। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे टोटल 3 शेड्स मिलते हैं आपको। एक यहाँ पे हल्का सा रेडिश मरून जैसा शेड है, फिर एक पिंकिश न्यूड जैसा शेड है, और अगर आप इसे ऊपर से लगाते हो, दोनों को मिक्स कर लेते हो, तो एक नया तीसरा बहुत ही प्यारा सा शेड बन जाता है। मैं हमेशा एक लिपस्टिक से सेटिस्फाई हो ही नहीं पाती हूँ, ऐसे 2-4 लिपस्टिक मिक्स करके बड़ी अच्छी बन जाती है। मैं आपको ये ट्राई करके बताती हूँ। तो हम एक शेड ऊपर वाले लिप्स पे लगाते हैं, एक नीचे वाले पे। आ जाओ, ये इतने स्मूदली ग्लाइड कर रही हो, क्या मस्त कलर पे ऑफ है सिर्फ एक सिंगल ग्लाइड में। दिस इज अ वेरी प्रिटी रेड शेड, एंड द सेकेंड वन इज वेरी प्रिटी पिंकिश न्यूड शेड। ओ कितने, मतलब आप दिन में ही लगा सकते हो, आपको रात को कहीं बाहर जाना आप इसे लगा सकते हो, और अगर आप बोर हो गए तो दोनों को मिक्स कर सकते हो। ये जो मिक्स करके बनाया ना, फुल हीरोइन फील्स, मैक्स हीरोइन फील्स दे रहा है मुझे कलर। दे हैव वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल शेड्स, एंड व्हाई सेटल फॉर वन इफ यू कैन गेट 3 शेड्स इन वन लिपस्टिक। अब आपको अपने बैग में अलग अलग लिपस्टिक्स कैरी करने की जरूरत नहीं है, एक ही लिपस्टिक कैरी की, दिन वाला शेड लगा लिया, रात वाला शेड लगा लिया, थोड़ा बोर हो गए तो दोनों को मिक्स कर लिया, एंड या यू आर रेडी टू गो। है ना काफी कूल। एज द नेम सेज, स्टेज 9 to 9 लव ट्रायंगल लिपस्टिक, इट कम्स विद कलर लॉक टेक्नोलॉजी। ये 12 आवर लॉन्ग लास्ट करती है। आप कॉफी पियो, खाना खाओ, आपकी लिप्स स्टिक कहीं नहीं जाने वाली है। इट कंटेन्स एवोकाडो ऑयल, जो एक्चुअली लिप्स को ड्राई फील नहीं कराते हैं, बट स्टिल गिव्स यू गुड मैट लुक विदाउट गेटिंग ट्रांसफर्ड। आई लव द शेड रेंज, बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं इनके पास। मुझे पर्सनली जो मैंने न्यूड वाला लगा रखा है, बहुत ही पसंद है। तो आपके ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, और अगर आप डेट वगैरह पे जा रहे हो तो डेट नाइट के लिए सारे शेड्स मिल जाएंगे आपको स्टेज पे। तो आप भी आ जाओ और लेके देखो #LoveTriangleLipsChallenge। मैंने जो इस लिपस्टिक्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ऑल्सो अगर आप लोग मेरा कूपन कोड Gopali2024 यूज करोगे इनकी वेबसाइट पे, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो यस, गो गेट योर 3-in-1 लिपस्टिक्स। तैयार हम हो चुके हैं, अब बारी है लंच बनाने की, क्योंकि ब्रेकफास्ट में तो हमारा नींबू हो गया था। भाई साहब बहुत गंदी वाली भूख लगी, पेट में बुड़बुड़ बुड़बुड़ हो रही है। हम बनाने वाले एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ज्यादा लोगों ने मुझे ये वाली रेसिपी भेजी है। तो ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कहाँ से है, बट ये बैगन का भरता जैसी बनती है इमली के पानी के साथ, और मुझे पर्सनली साउथ इंडियन क्यूजिन बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम उसे राइस के साथ बनाएंगे। और मुझे ना एक होलसम मील चाहिए, अब जैसे चावल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, सिर्फ चावल सब्जी खाने का जो मजा होता है ना, आई नीड दैट। मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर मम्मी, जो ब्रेकफास्ट की तरह गाइस। मम्मी मैंने आज जो ब्रेकफास्ट बनाया था इतना बढ़िया था, आप खाते तो मजा ही आ जाता।
क्या बनाया था? बहुत ही बेकार बना था मम्मी, बहुत ही बेकार बनाया था गाइस। अब देखते हैं लंच में क्या बनाती हूँ वो देखते हैं। ब्रेकफास्ट तो मैंने बहुत ही बेकार बनाया था। अभी देखो पता है अभी ना वैसे मुझे मेरा लंच खुद बनाना चाहिए, बट क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मुझे नसीब हुआ नहीं है, तो मैं अभी जो मम्मी ने लंच बनाया पहले मैं वो खाऊंगी। मुझे पता था आज ताकि नहीं होने वाला, ताकि मेरे पेट में कुछ जाए तो मुझे लंच बनाने की ताकत है। ये इन दोनों में से कोई एक नाम है, इधर इट्स कॉल्ड पाचा पुली और पच्ची पुलुसु, एंड ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मेजरली डिश है। हमें सबसे पहले तो चावल बनाने रखने हैं और हमें इमली को थोड़ी देर भिगाना है, तो हम इमली को मस्त गर्म पानी में भिगा देते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मैं अच्छा बना लूंगी, तो मेरा मन कर रहा है मैं इसे ज्यादा बनाऊं। गाइस हमने हमारी सब्जियां यहाँ पे निकाल ली है। अब जब मैं सोचूं तो मुझे ध्यान आ रहा है कि ये बैंगन जैसी वेरी कॉमन, अपने घर पे कोई इज्जत नहीं देता वो वाली चीज को, फॉरेन में बड़ी इज्जत मिलती है। अपने को ऐसा कैसा लगता है भाई फॉरेन में तो क्या मजेदार खाना मिलता है, इतने सुंदर भी फॉरेन में बैंगन को एग प्लांट बोल के हर चीज में एग प्लांट डालते थे। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको उधर लोग बैंगन की पराठे सुने कभी, अंग्रेज लोग बेचते हैं वो भी बेचते हैं वो लोग। बैगन और प्याज काट ले रहे हैं, हमें इसे पीसना नहीं, इसे ब्लिट्ज करना है। नया कुकिंग में मैंने शब्द सीखा है, ब्लिट्ज करना है। ब्लिट्ज मतलब हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसको बस एक बार मिक्सी में एक बार इसे दिखा देनी है इसको मिक्सी की, देख भाई मिक्सी ऐसी होती है। वो था ना हम सिर्फ गेड़ी मारने आ रहे हैं, हम उतर के नहीं देखेंगे, सिर्फ गेड़ी मरवानी है इसको मिक्सी की या ब्लेंडर की या ब्लिट्ज की जो भी बोल दो। हाँ जी गाइस हमने यहाँ पे अपने चावल रख दिए हैं जो इसके साथ खाए जाएंगे। अब ना हमने यहाँ पे ये जितने बैगन प्याज निकाले हुए हमें इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, इसे थोड़ा सा गोल्डन पका लेना है बेसिकली, क्योंकि फिर हम इसमें इमली का पानी डाल के इसे हल्का सा मैश ब्लिट्स करेंगे ना, ब्लिट्स। हाँ जी गाइस हमने हमारे बैगन को यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लिया है, पक गए ये हमारे चावल की कुकर में भी सीटी आने वाली है, तो चलो कमाओ तो ये। अब हम गैस बंद करते थे क्योंकि अब चीजें जलने लग जाएंगी, तो ये तो हमारा बन गया है, हमारे ना ऑलमोस्ट चीजें बन गया, अब हमें सबको असेंबल करना है गाइस। मैंने ना ये जो तड़का तैयार किया है ये हम डालेंगे इसमें ब्लेंडर में, इसमें हम डालेंगे प्याज, जैसे साउथ इंडियन फूड में तो वो छोटे वाले प्याज पड़ते हैं, बट ठीक है हम इसमें डालेंगे ये वाले प्याज। अब हम इसमें डालेंगे ये बैंगन जो हमने कुक किए हैं, और अब हम इसे एक बार गेड़ी मार के लाते हैं। मैंने रेसिपी में गड़बड़ कर दी है, मैंने सारा प्याज और बैगन निकाल दिए, क्यों मैं पहले लाल मिर्ची अलग पीसनी है और इसे तो हम अच्छा पाउडर बनाना है, वो बना लेते हैं। ओ वाह एकदम साउथ इंडियन वाला फ्लेवर आ रहा है इसमें, ये अच्छा सा एक पाउडर जैसा बन गया है। अब हम इसमें ये सारी चीजें डालेंगे। ये ना मिक्सी में तो बहुत ही ज्यादा पेस्ट जैसा बन रहा था, तो जैसे मैंने मम्मी को बनाते हुए देखा कि वो हाथ से ही उसको मैश करती हैं। यहाँ पे हम ये इमली का पानी भी छान लेते हैं। ये जैसा वीडियो में दिखाया था काफी वैसा ही बन के तैयार हुआ है। पहले अब हम इसको चखते हैं। आहा हा इसमें नमक और गुड़ भी पड़ता है, ये दो चीजें डालना मैं भूल गई, तो वो भी डाल लेते हैं। अब मुझे लगता है इसका बैलेंस आ जाना चाहिए। हायर मी गाइस, हायर मी एज अ शेफ, ये आई एम बैक। इतना भी अच्छा नहीं बनाया गाइस, ठीक ही बनाया, मतलब कुछ तो कम है, क्या कम है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नमक डालने के बाद फ्लेवर्स और अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हल्का सा नमक ही कम है, बट बना तो अच्छा। लाइक आई विल गिव दिस 7 out of 10। थोड़ा सा बैंगन लेते हैं, प्याज लेते हैं। इमली थोड़ी ओवर पावरिंग है, मैंने इमली का बहुत ही पल्प निकाल लिया है, बट आई डोंट माइंड दैट, आई लाइक द टैंगी टेस्ट, और वो चावल के साथ ना काफी बैलेंस्ड आउट लगेगी। डिलीशियस, ये चलो ठीक है हम फटाफट इसको सर्व करते और खाते, बहुत भूख लगी है, आ जाओ। हाँ हमारा खाना लेकिन मस्त बालकनी में आ गया, आज मेरा बड़ा मन कर रहा था मैं बालकनी में बैठ के खाऊं, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। हाथ से खाएंगे हम क्योंकि सब्जी चावल ये सारी चीजें हाथ से खाने का अलग मजा होता है। अकेला इतना अच्छा नहीं होता, चावल के साथ इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन गाइस, दिख अच्छा रहा है
आई लाइक द रॉ अनियन. वो एक्चुअली काफी अच्छा लगा रहा है. तूने बैगन नहीं चखा होगा? मैं बैगन चखती हूँ. इट्स गुड. 10 में से कितने नंबर देंगे आप हमें? 8. मुझे खट्टा खाना पसंद है. मुझे भी. हमारा ये मतलब ये हमारा टेस्ट बड्स वाला है, तो अगर आपको भी इससे साउथ इंडियन खाना वगैरह पसंद है, रसम ये सब थोड़ा खट्टा मीठा थोड़ा पसंद है, तो यू लाइक इट. वी शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. नम नम नम. हेलो जी. हेलो. ये हो चुका है थोड़े से चाय शाय का टाइम. ये टाइम होता है ना 5:30 बजे के करीब, मुझे लगती है भूख. आज मुझे फिर भी कम भूख लगी हुई बिकॉज आई हैव एंजॉयड वो चावल और बैगन का भरता वाली सब्जी. तो अभी सीन ये है कि हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड रेसिपी. ये बहुत सारे लोगों ने भेजी है. सो दिस इज आलू टोक. दिस इज अ सिंधी रेसिपी जो मैंने कभी नहीं ट्राई किया, मैंने कभी नहीं खाई है. मैंने सिंधी डिश में से सिर्फ एक ही चीज खाई, दैट इज कोकी, एंड आई लव्ड इट. मैंने वो जो प्याज वाली कोकी आई है ना, आती है ना, वो खाई है. 11th-12th में मेरे बहुत सारे सिंधी फ्रेंड्स थे, तो उनके घर पे बहुत ही यमी प्याज वाली कोकी विद चाय खाई हुई है. हमारे 12th के एग्जाम हुआ करते थे तो फ्रेंड्स की मम्मी हमें बना के देती थी, पढ़ते पढ़ते हम वो खाते थे. गाइस मम्मी हमारी आ गई हैं. मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ. अभी तक तो मैंने आज कोई टेस्ट नहीं, कोई डिश टेस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि अच्छा बना. अच्छा हाँ बता. सुबह वाली अच्छी नहीं हुई थी, दोपहर वाली बहुत अच्छी बनी थी. दोपहर में मम्मी एक नैप लेने चले गए थे क्योंकि मम्मी रात को सो नहीं पाए थे. मम्मी ये देखो ये तो चाट बन गई, पर लगेगा कितना स्वादिष्ट. थोड़ा ज्यादा बनाऊंगी अगर अच्छा बना तो. बिल्कुल सही बात. आपको भी टेस्ट कराने की कोशिश करूंगी इस तरह से, इस तरह से. हमने बड़े बड़े साइज के आलू ले लिए हैं और हम इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, पील कर लेते हैं और कट कर लेते हैं और फिर इसको फ्राई करते हैं. इसमें ऑयल बहुत ज्यादा लगेगा, बट ठीक है. मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं तो बड़ा हेल्दी खाती हूँ, बड़ी जिम फ्रीक हूँ मैं. गाइस मैं फ्राइड फूड की बहुत ज़्यादा फैन हूँ. बहुत ज़्यादा तेल में डीप फ्राई होकर आता है तो मुझे इतना पसंद नहीं आता है, बट आई एम होपिंग कि मुझे अच्छा लगेगा. मुझे टुक टुक तो पसंद है, तो शायद मुझे आलू टुक भी पसंद होंगे. बेकार जो. हमें इसे अभी तेल में डालना है और हमें इसे पकने देना है क्योंकि आलू एक्चुअली कच्चे होंगे. मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है तेल से. ओ ये तो पक रहे, अच्छे से पक रहे हैं. अभी हमें इसे 4-5 मिनट तो और कुक करना रहेगा. ओके गाइज हमारे आलू हमने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं. अब ना हमें इसे ग्लास की हद से फ्लैटन करना है. ओ नो मैंने ज्यादा ही फ्लैटन कर दी, तो मैश हो गया है. भाई साहब आज मुझसे एक बेसिक चीज नहीं बन रही है. ये वाला जो है ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये कच्चा है और ये मैंने इतना मैश कर दिया है कि ये मुझसे कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है. जिनको मैंने फ्लैट कर लिया वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो रहे हैं. अब ये जो है ये मुझसे दब भी नहीं रहा है. आई गेस आज कुकिंग वीडियो का दिन ही नहीं है. जा बस थोड़ी बस कभी रील में तो कुछ और था. इससे आज कुछ नहीं हो रहा. ठीक है जितने बन रहे हैं उतने तो बनाए. ये देखो दबी नहीं. देखो देखो मम्मी ये मैंने तो ज्यादा दबाया भी नहीं. नए आलू है ना इसके लिए. अच्छा गाइस दिक्कत बेटी में नहीं है, दिक्कत आलू में. आलू नए हैं. मैंने बहुत उम्मीदें लगाई थी. और पता आज ऐसे तो मेरी हेल्प करने आ जाती है. आज बस पानी की बॉटल लेके खड़ी है, देख रही है अच्छा नहीं हो रहा क्या. ठीक है कोई नहीं, आप भी पियो पानी, हम भी पियो. स्टे हाइड्रेटेड. चिल मारो, इसका आलू टुक नहीं बन रहा, मत बनने दो. अब ना मतलब मेरा ऐसा होता है, मैं ना थोड़ी जिद्दी टाइप की हूँ. मेरे को अगर वो चीज कैसे नहीं हो रही, अब मैं करके रहूंगी. अब मैं बताती हूँ ऐसे कैसे नहीं होगा. ये इसके पप्पा भी होंगे. हमें एक कटोरी में लेना है, पहले तो हम लेंगे थोड़ा सा नमक. ये हमने लिया नमक. फिर हम लेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर. फिर हम इसमें ले रहे हैं हल्दी, मिर्ची. आउच. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला. ये हम ना थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं. अब हमारे पास 4-5 चीजें जो बिल्कुल सही हैं, तो हम उसी को बनाएंगे. वी विल मेक इट वर्क. मसाला हमारा तैयार है, मिर्ची हमने काट ली है, नींबू हमारा तैयार है, चाय हमारी बन के ठंडी हो चुकी है गाइस. बस अब ये और बन जाए. गरम गरम तेल में पहले आलू जी जाते हुए और पटपट 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 करके वो हो रहे हैं. भाई प्लीज फटना मत भाई प्लीज. ओ ये तो बिल्कुल वीडियो जैसे बन रहे हैं. गाइस हमारे आलू टुक यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं, काफी ज्यादा सही लग रहा है. इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस टू गिव दैट टैंगी फ्लेवर. मम्मी लो चखो इसे. बैठे रहो चलेगा. ये यहाँ अरे नहीं चले. अरे चलेगा बैठो चखो.
कैसा है? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल चाट है, चाट मसाला रखा हुआ। अच्छा है? टेस्ट अच्छा है। टेस्ट अच्छा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू दादी, थैंक यू। चलो इस बात पे आप मुझे वो दोगी, आपकी चूड़ी सोने वाली। ओके गाइस, मुझे लगता है मेरा कैमरा बहुत गंदा था जब मैंने इसे टेस्ट किया, तो बट आई वाज जस्ट टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी परफेक्ट। जानवी टेस्ट दिस, इट्स वेरी क्रंची, आई लाइक इट। नमक बहुत ज्यादा है बस। वापस कर, फाइनली यू मेड समथिंग नाइस। एक्चुअली मुझे लगा नहीं था बन पाएगा, बट ये मैं कुछ भी एवरेज नहीं बनाती हूँ, या तो एकदम भैया या एकदम टॉप क्लास, कुछ भी बीच में नहीं। हेलो जी, हेलो। गोपाली मैडम आ चुकी है इस वीडियो की लास्ट रेसिपी ट्राई करने के लिए। रात के 11:45 बजे ये टाइम होता है जहाँ पे से डेजर्ट चक्र पकड़ करने का मन करता है। मैं एकदम मस्त अपनी कॉफी पी के आगे से फुल एनर्जी। अब मुझे बहुत सारे काम थे तो मैंने सारे काम काज निपटाए, एंड अभी हम आ चुके हैं हमारा डेजर्ट बनाने के लिए। सो वो दिस रेसिपी, मैं ये वाली जो रील है इसे फॉलो करने वाली हूँ। ये एक्चुअली एक गमले जैसा ही लग रहा है, और ये ना मुझे याद है मड आइसक्रीम ऐसे सब बोल के बहुत फैंसी रेस्टोरेंट्स में एक जमाने में मिलता था, कैफेज में। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट को एकदम बारीक काट लिया। अभी हमें इसे मेल्ट करना है, हमें पेपर कप में इसे जमाने रख देना है। ये बहुत इजीली बन जाता है, बट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो हमें ये चॉकलेट पिघलानी है, और फिर हमारे पास यहाँ पे पेपर कप है तो इसमें हम चॉकलेट डाल देंगे और इसको हम फ्रीज कर देंगे। 10 मिनट में ये फ्रीज हो जाएगा, पर पहले हम चॉकलेट हमारी गर्म कर लेते हैं, पिघला लेते हैं मतलब। मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है, इनकी जो रील वाली रेसिपी में जो चॉकलेट है वो एकदम ऐसे पिघल के एकदम पानी जैसी थोड़ी सी हो रही है उसकी कंसिस्टेंसी, और मेरी वाली बहुत ही थिक है, और सेम चॉकलेट है, सेम हमारे पास हमने कंपाउंड चॉकलेट यूज की है, तो ऐसा क्यों? ये रील वाले कुछ क्या घपला करते हैं? आई कैंट बिलीव ये रेसिपी भी फ्लॉप पंती से शुरू हो रही है। आई एम ट्राइंग, देखो मैं इसको रख तो रही हूँ फ्रिज में, मैंने ना इसको पूरा ऐसे बना दिया है, बट आई जेन्युइनली हैव जीरो होप्स फ्रॉम दिस वन, लेट्स सी। मुझे लगता है अगली बार से मैं मुहूर्त देख के कुकिंग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज तो सब कुछ बहुत ही भलभलता हुआ है भाई साहब। हेलो जी, एकदम मस्त कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए, आई फील सो गुड। अभी हम फटाफट चेक करते हैं कि हमारी वो चॉकलेट जमी है या नहीं। आ जाओ। तो ये भाई साहब को जैसे मैंने फ्रीजर में से निकाला है, ठीक है, ओके, शायद निकल जाएगी जितना आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। मुझे लग नहीं रहा था मुझसे ये रेसिपी बन पाएगी, बट बन गई। हमने ना ओरियो को एकदम पाउडर जैसे फॉर्म में कर लिया है, ये एक्चुअली मिट्टी जैसा ही लग रहा है। यहाँ पे हमारे पास वनीला आइसक्रीम भी है, ये भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो तैयार ही है, तो बहुत प्यार से आपको निकालना होगा। ओ निकल रहा है, मुझे लगा नहीं रहा काम करेगा। प्यार से प्लीज़, टूटना नहीं। ना इसकी लेयरिंग, क्योंकि ये सिमिलर शेप का नहीं था, ये देखो ये कितना मोटा है, यहाँ से ऊपर से एकदम पतला है। ओरियो अलग खा लूँगी, आइसक्रीम अलग खा लूँगी, चॉकलेट अलग खा लूँगी। एकदम आज की वीडियो हमारी फुल फ्लॉप वीडियो है गाइस, पता नहीं किसकी वजह से फ्लॉप हुआ है। द लीड कैरेक्टर हैड द प्रॉब्लम या बाकी सारी चीज़ें हैड द प्रॉब्लम, भगवान जाने, बट मुझे मज़ा बढ़ गया भले ही सब कुछ फ्लॉप हो रहा था। हाँ, मेरे लिए इस पूरी वीडियो में जो एक रेसिपी है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो है आलू टुक दे वाई यमी। लंच भी बहुत अच्छा बना था, बट बाकी सारी तो ऐसी चीज़ें एकदम फ्लॉप ही निकल गई। एकदम फ्लॉप सी रेसिपी के साथ हम ये वाली वीडियो एंड करेंगे। देखो आई डोंट नो प्रॉब्लम किस में थी, बट यस, मुझे पर्सनली ऐसी सारी वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है जहाँ पे मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने का मौका मिले। कुछ अच्छी बनती है, कुछ बेकार, बट आई हैव फन डूइंग दिस। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वीडियो देखने में मजा आया, हम और ऐसी रेसिपीज ट्राई करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, एंड आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइस। टाटा।